अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैर आफियत से होंगे। मैं यहाँ पे आलू का पराठा बना रही हूँ। ये मैंने तेल चढ़ा दिया है, इस पर मैं थोड़ी सी ज़ीरा और थोड़ा सा एक चम्मच छोटे चम्मच से सौंफ डाल रही हूँ और प्याज है ये सब ऐड कर रही हूँ मैं इस पर, और हरी मिर्ची भी डालूँगी कि भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि हमारा आलू रेडी हो चुका है, आलू और फूलगोभी की पत्ता रेडी हो चुका है। इसमें मैं हरी मिर्ची कम ऐड कर रही हूँ ताकि बच्चे तीखा खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं उसके लिए बना लूँगी। उसके बाद मैं जब अपने लिए जब बनाऊँगी तब तो मैं मिर्ची ऐड कर दूँगी। ओके, पराठा रेडी हो चुका है और ये पराठा हमारा तैयार है। हस्बैंड वहीं पे बैठा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि जब आलू का पराठा रेडी होगा फिर मैं जल्दी से खाऊंगा, क्योंकि उसे भूख बहुत तेज़ लगी थी। ये मैं रेडी कर रही हूँ, ऊपर से लाइट भी चली गई थी इसलिए रोशनी भी ज़्यादा नहीं मिल रही थी, मोबाइल की लेड लाइट से हम काम कर रहे थे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़। आपका एक सब्सक्राइब करना लाइक करना हमें मोटिवेट करता है, तो ये करना ना भूलें। करता हूँ फिर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा पराठा रेडी है और हस्बैंड खाने बैठा है, और इसके साथ टमाटर सॉस है और चने दाल की चटनी है जो बहुत यम्मी और टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं था कि इस पर फूलगोभी मैंने ऐड किया है। जब वो खा रहा था मैंने उससे पूछा कि आप क्या खा रहे हो, तो कहते हैं कि आलू के पराठा। मैंने कहा इसके साथ क्या है, यम्मी। जब मैंने उससे पूछा कि हस्बैंड इस पर फूलगोभी मैंने ऐड किया पता है बेटा, तो कहते कि नहीं मम्मा ये आप झूठ बोल रहे हो, खाने में तो बिल्कुल वैसा तो नहीं लग रहा है, बल्कि नहीं लगेगा ना, मैंने ऐसे बनाया है। तो उसको तो फिर भी बहुत पसंद आया, कह रहे कि मम्मी अच्छा लगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर ऐड करूँगी कि इसके खानों में सबसे ज़रूर हो, तो ऐसे ही करूँगी ताकि उसको पता ना चले, है ना। हर मम्मी ऐसी करती है जिनके बच्चे सबसे नहीं खाते, टेक्निक जरूर ट्राई करना अपने घर अपने बच्चों के लिए, वेरी यूजफुल। कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, बट मुझे नहीं पता था किसी क्या है। मैं कह रही हूँ इनसे कि ये मेरे लिए गिफ्ट है, तो वो कह रहे नहीं ये मेरे लिए है। तो मैंने कहा कि वो अपने लिए लेकर आए थे टी शर्ट, तो मैं उनसे मजाक कर रही थी, बहुत प्यारा था, ब्लैक कलर तो यूँ भी मुझे बहुत पसंद आते हैं तो अच्छा लग रहा था। मैं उनसे ये कह रही थी कि एक बार मैं पहले ट्राई करूँगी, है तो कहते हो कर लेना कोई बात नहीं, कपड़े भी बहुत अच्छे थे, अच्छा लगा। ये घर पे जब छोटी छोटी चीज़ें जब कुछ आते हैं ना तो अच्छा लगता है वो पल, और हस्बैंड भी खुश थे वो बता रहे हैं।